छोटा हाथी चढ़ गया रोहित कहाँ रहता है? तो ये किसने तोड़ दिया तेरा पाँव? तो पूरा ही मुड़ गया यार, सीधा हो गया ये। अरे यार इसका इलाज नहीं कराया मैंने? सरकारी में फ्री में होता है इलाज। तेरा पापा जिंदा है? मम्मी जिंदा है? तो उनसे भी नहीं बोलते इलाज कराओ? तेरा तो पाँव पूरा टूटा है। ये ले यार, ऐसे कब तक मांग कर रहे? अरे पढ़ाई लिखाई करता है? पढ़ता क्यों नहीं है फिर? भीख मांग करेगा जिंदगी भर? अरे पढ़ाई के लिए तो दिमाग चाहिए, वो तो है तेरे पास। हेलो गाइस, ये देखिए हैप्पी जन्माष्टमी। तो मैं आज मैंने कृष्णा बनाऊ। सो हे गाइज, वेलकम आपका एक न्यू ब्लॉग में। मैं हूँ आपका होस्ट एंड दोस्त शेखर ट्रेवलर। सो आज जा रहे हैं खटीमा मार्केट जन्माष्टमी और एक हमारा लोकल फेस्टिवल होता है गमरा महोत्सव, तो उन दोनों की शॉपिंग करने के लिए। और इसी बहाने खटीमा मार्केट का खूबसूरत व्यू भी आपको दिखाएंगे। सो बने रहिए, मिलते हैं छोटे से मोटे ब्लॉग में। मोटे ब्लॉग में ही मैं कोशिश करूँगा पूरा का पूरा ब्लॉग कवर करने की। और जहाँ पर छोटा मोटा कुछ दिखाना पड़ेगा शॉपिंग वॉपिंग में, तो हो सके मैं कैमरा अनमाउंट करके आपको दिखाऊँ। सो निकलते हैं इसी मेन रोड की तरफ। गाइस जा रहे हैं अभी खटीमा की तरफ, तो जैसे जैसे मैं शॉपिंग करूँगा, जो काम करूँगा वो सब आपको बताऊँगा। और आज शॉपिंग करनी है मैंने जन्माष्टमी के लिए और गमरा महोत्सव के लिए, तो वो दोनों ही दिखाऊँगा। फिलहाल मैं घर से निकल पड़ा हूँ और काफ़ी दिन बाद मोटर ब्लॉग आ रही है आपके पास। और कोशिश करूँगा अभी मैं रेगुलर ब्लॉग डालने की, क्योंकि बीच में थोड़ा सा आलसी भी हो गया था और थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम भी आ गई थी, इस वजह से रेगुलर ब्लॉग आपके पास आ नहीं पाई। तो चल रहे हैं अभी खटीमा की तरफ और मैं निकल पड़ा हूँ अपने घर कंजावाग से खटीमा सिटी की तरफ। तो बने रहिए। तो जन्माष्टमी का ये देखिए तो मेला जा रहा है, तो देखते हैं। सो भाई ये था हमारे खटीमा का सबसे बड़ा शिव मंदिर। शिव मंदिर में जन्माष्टमी का प्रोग्राम चल रहा है, जन्माष्टमी के प्रोग्राम हो सके तो अभी मैं मार्केट का थोड़ा काम शॉपिंग वॉपिंग करके फिर आपको वापस हो सके कुछ प्रोग्राम उसमें दिखाऊँ, क्योंकि कुछ सांस्कृतिक कल्चरल प्रोग्राम भी होंगे अभी। तो ये आ गया अपना कंजाबाग चौराहा, उत्तराखंड परिवहन की बस। तो खटीमा मेन सिटी स्टार्ट हो गई है भाई, और छोटा सा मोटर ब्लॉग भी हो जाएगा ये खटीमा सिटी का। बट मुझे पहले जाना है बैंक में, तो मैं बैंक का काम निपटाता हूँ। बंधन बैंक, वेयर इज बंधन बैंक? ये आ गया भाई बंधन बैंक। तो मैंने कुछ यहाँ कैश डिपॉजिट करना है। तो भाई जा रहे हैं अभी, और अगर आप कभी खटीमा में आते हैं, अगर खटीमा के प्लेसेस का पता नहीं है, तो सितारगंज रोड पर आपको सारे बैंक मिलेंगे, जैसे यूनियन बैंक, एक्सिस बैंक, और इसी के साथ ही लगा हुआ है SBI। मेनली सारे बैंक इसी रोड पर है, छोड़ के ICICI बैंक। ये रहा रिलायंस का सबसे मशहूर पेट्रोल पंप, जहाँ टनकपुर और बनबसा के लोग भी पेट्रोल भराने आते हैं, क्योंकि भाई कुछ भी हो रिलायंस पेट्रोल, उनका पेट्रोल बहुत अच्छा है यार। गाड़ी के लिए अगर आपको एवरेज अच्छा नहीं आ रहा या कुछ फ्यूल में शिकायत हो रही है, कभी भी आप ऐसी सारी प्रॉब्लम के लिए हमेशा रिलायंस पेट्रोल पंप से ही पेट्रोल भरवाएं। तो चलते हैं अभी बेटे के लिए अपने एक कृष्णा की ड्रेस लेनी है, तो देखता हूँ वो कहाँ मिलती है, नहीं तो वापस एक ही छोटे जो फुटपाथ वाली मार्केट है हमारी पोस्ट ऑफिस रोड वाली, इस पर आऊँगा। अभी मैं जा रहा हूँ मेन सर्कल की तरफ। तो देखते हैं यहाँ पर कृष्णा की ड्रेस दिख रही है मुझे, तो इनका रेट वेट पता करते हैं। भाई जी कितने की है?
हाँ यही साइज आएगा। 300 भाई 300 की है, लेकिन मैं सोच रहा हूँ 100 तो ट्राई कर लेता हूँ। छोटे कितने का है? तो भाई एक जगह है 300 की, एक जगह है 450 यानी 450 रुपये की। 3 या 4 शॉप पे तो मैंने पता कर लिया है, तो बाकी जो 2 शॉप पर मुझे अच्छा लगा था वो एक में है 300 और एक में है 450। तो ये रहा लुधियाना वालों का सस्ता, सस्ते कपड़े और अच्छे कपड़े घर से ले सकते हैं आप। और बाकी अगर आप मॉल में जाने के शौकीन हैं तो ये फिलहाल कपड़ों के ये 2 मॉल हैं, V2 मॉल एंड ये रहा रिलायंस वालों का मॉल। और ये रहा कटीमा का छोटा सा बस स्टॉप, लगभग 5 लाख की जनसंख्या वाले इस क्षेत्र में एक बस स्टॉप नहीं बन पा रहा भाई, ये देखिए कितना छोटा है। और बसें ऐसे रोड किनारे खड़ी रहती हैं और इनकी वजह से बहुत प्रॉब्लम आता है। श्री राधे राधे, ये वन टाइम यूज के लिए तो सही है। सो भाई आ गया खटीमा के मेन सर्कल, और बच्चे के लिए मैंने कृष्णा की ड्रेस ले ली है। बेसिकली हमारे उधर इस बार कंफ्यूजन हो गया है कि आज मनाएं या कल मनाएं, तो हम आज ही मना रहे हैं और कल भी मनाएंगे जन्माष्टमी। बट आज प्रॉब्लम ये कि बच्चे गए हैं स्कूल, जब वो स्कूल से आएंगे 2 बजे तो उसके बाद ही हम कोशिश करेंगे जन्माष्टमी मनाने की। तो अभी चलते हैं कुछ फ्रूट ले लेते हैं और मिठाई ले लेते हैं जन्माष्टमी के लिए, और उसके बाद घर चलेंगे। तो घर में बाकी फंक्शन जो भी होगा वो थोड़ा मोटा क्लिप डाल के आपको पूरा ब्लॉग मिलेगा, वो बने रहिए भाई और एंजॉय लीजिए खटीमा की इस ब्यूटीफुल जर्नी का। आ गया सितारगंज रोड पे और अमृत स्वीट्स में चलते हैं। अमृत भाई मेरा ही है ना, दे दिए पैसे। हाँ क्या हुआ, पाँव किसने तोड़ दिया तेरा? क्या बोलते, छोटा हाथी चढ़ गया। क्या नाम है तेरा? हैं रोहित, कहाँ रहता है? तो ये किसने तोड़ दिया तेरा पाँव? तो पूरा ही मुड़ गया यार, सीधा हो गया ये। अबे यार सरकारी में फ्री में होता है इलाज? तेरा पापा जिंदा है, मम्मी जिंदा है, तो उनसे क्यों नहीं बोलता इलाज कराओ? ऐसे कब तक मांगता रहेगा रे, पढ़ाई लिखाई करता है? पढ़ता क्यों नहीं है फिर, भीख मांगता रहेगा जिंदगी भर? पहले पढ़ाई के लिए तो दिमाग चाहिए, वो तो है तेरे पास। छोटे भाई कैसे हो? ये पके वाले केले डाल दे पहले। ये वाले कितना बताया? 120। हाँ भाई एक लगा दे यार। तो भाई सारी शॉपिंग वॉपिंग हो गई अपनी, छोटी मोटी जो भी थी, और वापस जा रहे हैं घर की तरफ। ये आ गई भाई अपनी उदय कॉलोनी। तो भाई इसके बाद ही हमारे बगल में हनुमान मंदिर है, और ये था ब्यानपुरा मंदिर, उससे पहले शिव मंदिर। सारे मंदिरों में ये झांकियाँ एक एक करके निकल रही हैं। तो भाई चल गए अपने घर वाली रोड पर। इस रोड पर स्कूटी चलाना सबसे बड़ा एडवेंचर है भाई। तो भाई अभी जा रहे हैं, छोटी झांकी निकली है हमारे बगल में हनुमान मंदिर में। सो लीजिए एंजॉय इस जन्माष्टमी की झांकी का। नैना तेरे कचरारे, नैना तेरे कचरारे।